टोल आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और सामने दिल्ली का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। तो आप बीच बीच में रेस्ट एंड सर्विस एरिया के साइन बोर्ड आप देख सकते हैं और आपको रेस्ट करना है बीच में तो रेस्ट एरिया देख सकते हैं आप। और जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये है रेस्ट रूम। सामने जो बोर्ड देख रहे हैं मेरे आप आगे और ब्लैक स्क्रीन जो लगी हुई है ये आपकी स्पीड कैप्चर करेगी। और इसीलिए आज हमको मतलब इस हाईवे पे अचानक से सूझा कि देश के लिए हमें एक बार हमारा राष्ट्रगीत गाना चाहिए, तो हम गाने के लिए यहाँ पे एकदम तैयार हैं। जन गण मन अधिनायक जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, आज हम फिर एक लेकर आए हैं नया ब्लॉग आपके लिए जो है दिल्ली टू मुंबई जो एक्सप्रेस वे अपना बन रहा है। तो आज हम जा रहे हैं जयपुर से दिल्ली की तरफ और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम चलते हैं आपको नेशनल हाईवे पे लेके जो जयपुर टू मुंबई कनेक्ट हुआ है और इसका इनॉग्रेशन हो गया है और हमारे चैनल के वीडियो आप देख सकते हैं। एपी ब्रदर, आपने सोचा होगा एपी ब्रदर क्या है, तो आज मैं बताना चाहता हूँ A4 है अभिषेक एंड P4 है पवन। तो हमारा जो चैनल है एपी ब्रदर है हम, और अलग अलग टाइप के वीडियो बनाते हैं और आपने हमारे काफ़ी ब्लॉग्स देखे होंगे। और तो नए ब्लॉग के साथ हम लेके चलते हैं आपको नेशनल हाईवे जयपुर टू मुंबई। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हमारा चैनल और आगे बढ़े और आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाए। तो ज़रूर जैसा कि अभिषेक ने बोला, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और देखते रहे हमारे चैनल को एपी ब्रदर। और अब हम चल रहे हैं आगे। तो अभी हम जयपुर आगरा हाईवे पे चल रहे हैं और यहाँ से हम चलेंगे सीधा दिल्ली से मुंबई वाला एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और पूरा दिखाएंगे आज आपको जो नया एक्सप्रेस वे बना है। और अब हम आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली का साइन आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेरे, और सामने आप मेगा एक्सप्रेस वे देख सकते हैं और टोल आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और सामने दिल्ली का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं। और हाईवे पे चढ़ने के लिए उतरने के लिए चारों तरफ से नॉन स्टॉप पेबल ट्रैफिक चलता रहेगा कंटिन्यू। अभी हम उतर के दिखाते हैं यहाँ पीछे आपको पूरा। चलिए पवन गाड़ी को रोकिए। और काफी चौड़ा मेगा हाईवे है। जैसे अभी ये जो फिफ्थ लेन है वो तो साइड में है, मेन यहाँ पे फोर लेन है और फोर दूसरी साइड में, तो टोटल 8 लेन का ये हाईवे है और ये इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। भी आपको दिखाते हैं बाहर से। और फोर लेन का रोड है, कितना चौड़ा आप देख सकते हैं हमारे पीछे, काफी चौड़ी रोड है मेगा हाईवे और इसको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। अभी 8 लेन है, इसको 12 तक एक्सपेंड किया जा सकता है जब फ्यूचर में कभी ट्रैफिक और बढ़ जाएगा इस पे हाईवे पे। और ये दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है जो कि 1350 किलोमीटर का है। और ये पीछे जो अभी हम चलेंगे दिल्ली, ये है पूरा दिल्ली लेके जाएगा और जो अपोजिट साइड जो रोड है ये आपको लेके जाएगा सीधा मुंबई। लेकिन मुंबई वाला अभी चालू नहीं हुआ है, अभी जो चालू हुआ है वो सिर्फ दिल्ली वाला एक्सप्रेस वे हुआ है। तो अभी हमने आगरा रोड से हम आए हैं, आज ही ये एक्सप्रेस वे चालू हुआ है तो अभी कोई भी नहीं आ रहा है। हम सबसे पहले व्हीकल्स में से कुछ व्हीकल्स में से एक हैं और इस वजह से अभी ये पूरा खाली दिख रहा है, हमारे पीछे से कुछ ही व्हीकल्स जाते हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम हम आपको दिखाने जा रहे हैं इनॉग्रेशन के बाद और हम लेके चलेंगे आपको जयपुर टू दिल्ली और लेके चलते हैं आपको, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। हम देख सकते हैं केवल इस एक्सप्रेस वे का वीडियो बनाने के लिए हम करीब कितने किलोमीटर से हैं पवन? 60 से 70 किलोमीटर। 60-70 किलोमीटर से हम ट्रैफिकों से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बस ये है कि वो जो ट्रैफिक वहाँ था और यहाँ पे जो खाली रोड है तो ड्राइविंग का अलग ही मजा आएगा। यहाँ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो इस एक्सप्रेस की जो लिमिट, जो स्पीड लिमिट है वो 120 तक की है, मतलब 120 तक आप अपनी गाड़ी को भगा सकते हैं। और अगर आपके पास अगर स्पोर्ट्स कार है तो आपको पता ही है 120 से तो अबो जाने वाली है। तो गाड़ी जो है एक्सीलेटर पे पैर पड़ने के बाद बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी,
तो चलिए लेके चलते हैं आपको इस नेशनल हाईवे पे और आगे की तरफ, और आपको दिखाएंगे और भी जहाँ जो पॉइंट है। तो आगे चलते हैं राजगढ़ की तरफ, जो हम एग्जिट है वहाँ तक चलते हैं, और हम भी देखते हैं आज हमारी गाड़ी कितनी टॉप स्पीड पकड़ती है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इस नेशनल हाईवे पे आगे की तरफ, और बने रहे हमारे साथ वीडियो में। और सबसे ज़बरदस्त बात यह कि आपको कितना ही दूर जाना हो, कोई टोल नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, बस आप जहाँ से एंट्री करेंगे और जहाँ से इस हाईवे से आप बाहर निकलेंगे तो उसी जगह आपका टोल काउंट किया जाएगा। तो बीच में कुछ में कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई भी बीच में टोल नहीं है, कंटिन्यू बस चलते जाओ और अपनी मंजिल तक पहुँचे। काफ़ी बढ़िया हाईवे बना है। तो हमारे भारत देश के माननीय नितिन गडकरी जी, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जो जयपुर से और मुंबई दिल्ली कनेक्ट किया है इन्होंने। तो अभी फेज़ वन में ये आया है, दिल्ली से जो जयपुर तक के लिए जो दोसा से कनेक्ट किया है इसको, और आगे ये एक्सपेंड होके 2024 के एंड तक पूरा मुंबई तक जहाँ तक ये बन जाएगा। फेज़ वन है ये, अभी चालू हो चुका है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं अगर आपको जयपुर से दिल्ली जाना हो तो। और फेज़ टू जो, तो जैसा कि अभिषेक ने बताया, फेज़ टू जो दिल्ली से मुंबई वाला है वो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन अभी बीच बीच में कई रोड है जो कनेक्ट नहीं हुई है, तो वो जल्दी कनेक्ट होके और 2024 एंड से पहले ही इसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो आप बीच बीच में रेस्ट एंड सर्विस एरिया के साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, जैसा कि 1 किलोमीटर अभी रह गया है। अगर आपको कोई मेडिकल सुविधा चाहिए या रेस्टोरेंट में आपको जो कहीं भूख लगी है तो आपको कुछ खाना है, तो इस तरीके से पूरे मेगा हाईवे पे आपको जगह जगह साइन बोर्ड दिखेंगे। और आपको रेस्ट करना है बीच में तो रेस्ट एरिया देख सकते हैं आप, आराम क्षेत्र लेफ्ट साइड में मेरे। तो अभी हम चलते हैं रेस्ट एरिया में, तो आप देख सकते हैं फूड कोर्ट है और हेलीकॉप्टर उतरने का स्थान है और व्यायामशाला, स्पा वगैरह है, ट्रक पार्किंग है, तो ये बस पार्किंग है, तो ये आपको सुविधा मिलेगी यहाँ पे, आप साइन बोर्ड में देख सकते हैं ये। तो अभी हम कार पार्किंग में कार लगा रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कार पार्किंग का इशारा है। और पार्किंग एरिया इतना बड़ा है, ये हज़ारों गाड़ियां यहां पार्क हो सकती है, लेकिन अभी जो भी सर्विसेज हैं अभी ओपन नहीं हुई है, लगता है धीरे धीरे ओपन कर देंगे ये समय के साथ साथ। तो ये जो मेरे पीछे का नज़ारा है ये है कार पार्किंग, काफ़ी बड़ा एरिया है, और जो ये पीछे आप देख रहे हैं ये है रेस्ट रूम, जगह जगह इस तरीके से रेस्ट रूम बनाए गए हैं। अगर आप ड्राइव करते करते थक गए हैं, काफ़ी किलोमीटर की आपने ड्राइव कर ली है, तो दुर्घटना से देर भली तो आप गाड़ी को रोक के और घंटे दो घंटे रेस्ट कीजिए और चल पड़िए फिर थोड़ी देर बाद आप अपने मंजिल की ओर। और हम वापस से अब जा रहे हैं हाईवे पर, तो पार्किंग एरिया से जस्ट बाहर निकले हैं और आप देख सकते हैं वापस से सर्विस लाइन जो हाईवे से कनेक्टेड है, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, सभी सुविधाएं यहाँ रेस्ट एरिया में हैं। थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं अगर आपके हाईवे पे अगर कुछ इमरजेंसी आ गई है तो। और एक और साइन बोर्ड देख सकते हैं आप हाईवे पे, टू व्हीलर, ट्रैक्टर और खास इन चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन है मेगा हाईवे पे। सामने जो बोर्ड देख रहे हैं जिस पे ब्लैक स्क्रीन लगी हुई है, सामने जो बोर्ड देख रहे हैं मेरे आगे और ब्लैक स्क्रीन जो लगी हुई है ये आपकी स्पीड कैप्चर करेगी। अगर आपकी स्पीड 120 से ज़्यादा है तो आपका चालान निश्चित है, तो खासकर स्पीड का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरीके से पूरे हाईवे पे जगह जगह स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाए गए हैं और कैमरा भी आप देख सकते हैं, ये आपकी स्पीड को पूरा कैप्चर कर लेंगे। योर स्पीड करके साइन बोर्ड लगाया हुआ है और कैमरा भी साथ में लगाया हुआ है, स्पीड का ज़रूर खास ख्याल रखें। और हम अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली तो हमें जाना नहीं था, बस आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हम इस हाईवे पे आए हैं। और इसी तरह से पूरा हाईवे दिल्ली तक बिल्कुल कनेक्टेड है, जो सोना गुड़गांव तक है और उसके आगे इंटर कनेक्टिविटी है दिल्ली तक भी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं जयपुर की तरफ, और इसी तरीके से बीच बीच में गेस्ट रूम और मेडिकल सर्विसेज और पेट्रोल तरीके की सुविधा है जो हमने दिखाया इस वीडियो में। और अभी हम जयपुर चलेंगे वापस, एक्सप्रेसवे पे वापस जयपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं, और
हम दिशा चेंज कर रहे हैं, तो अभी हम रोड के दूसरी साइड आ गए हैं। तो चलिए अब हम जयपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं वापस से, और शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं। सूरज है जो बादलों के पीछे धुंधला हो रखा है, और शाम ढलने को ही है, और हम भी अब दौसा पहुंचने वाले हैं। और इस एक्सप्रेस वे को देख के लगता है देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे जो ये बनने जा रहा है, और मतलब बहुत ही शानदार है, इसमें कोई कमी नहीं है। और तो ये गडकरी जी और मोदी जी की ही कृपा से ये सब चीज़ें काम हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज हमको मतलब इस हाईवे पे अचानक से सूझा कि देश के लिए हमें एक बार हमारा राष्ट्रगीत गाना चाहिए, तो हम गाने के लिए यहाँ पे एकदम तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी मतलब देश के प्रति प्रेम भाव बढ़ाएं, और ऐसी तरक्की को देखने के बाद जो मज़ा आता है उसका अनुभव करें। देशभक्ति सबके मन में होती है, बस उसको जगाने की ज़रूरत होती है, तो आप भी अपने मन में जो देशभक्ति है उसको जगाएं। और हम अभी राष्ट्रगीत गाने वाले हैं, इसके लिए तो हमारे साथ बने रहिए। और हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे, नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हिंद, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, भारत माता की जय। और हमारा वीडियो हम यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हम है एपी ब्रदर, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एपी ब्रदर। थैंक यू।